प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए दंदन का जी। आज का विशेष टॉपिक है श्रद्धा और विश्वास। प्यारे सत्संग जी, परमात्मा में आस्था श्रद्धा ये दुनिया रखती है। दुनिया में हर इंसान भगवान को मानता है, और कुछ ऐसे भी है जो भगवान को नहीं भी मानते, लेकिन जो ज्यादा संख्या है भगवान को मानने वालों की है। प्रभु में आस्था और श्रद्धा सभी रखते हैं, लेकिन जब बात आती है विश्वास की तो इंसान का विश्वास डामाडोल हो जाता है। जिस परमपिता परमात्मा ने माँ के गर्भ से लेकर आज तक हमें संभाला है, हमारी नीड्स पूरी की है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, तो फिर वो हमेशा हर पल हमें संभालेंगे। ये होता है एक अटल विश्वास परमात्मा पे। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे कोई काम नहीं बनते हैं, जीवन में कोई परेशानी आ गई, कुछ मुसीबतें चुनौतियां चैलेंज आ गए, तो उस वक्त हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। जो भगवान पे श्रद्धा रखते हैं उनका भी विश्वास डामाडोल हो जाता है। जो भगवान को मानते हैं, भगवान में जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, और जो भगवान को जानते भी हैं, तो उनका भी विश्वास डामाडोल हो जाता है। वो भी गिले शिकवे करते हैं, क्योंकि ये जो मन है ना, मन बड़ा स्वार्थी होता है। जब मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मन के मुताबिक होता है, तो भगवान पे पूरा विश्वास रहता है, और जब मन के मुताबिक नहीं हो पाया तो हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है, हम भगवान से गिले शिकवे करते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही श्रद्धा और विश्वास की, कि अगर हमारी आस्था श्रद्धा परमपिता परमात्मा पे है, तो जितनी आस्था और श्रद्धा है उतना ही विश्वास भी होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास पूरा है कि परमात्मा जो भी कर रहा है, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये हमारे भले के लिए है, परमात्मा वही करते हैं जिसमें हमारा भला होता है, तो जो ये विश्वास जिसके मन में हो जाता है, अगर हमें ये यकीन हो जाए कि हर काम परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, तो जीवन में फिर कोई परेशानी की बात ही नहीं है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हर चीज परमात्मा के हाथ में है, हर चीज परमात्मा की मर्जी से होती है। तो ये होता है अटल विश्वास कि अगर जीवन में आज थोड़ा दुख भी आ गए, तकलीफें भी आ रही हैं, तो ये भी परमात्मा की रजा है। अगर जीवन में फकीरी भी आ गई तो परमात्मा की रजा है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की रजा है। तो जब हम रब की रजा में जीते हैं, परमात्मा की रजा में जीना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। और इसका आधार है विश्वास कि जब परमात्मा पे हमारा अटूट विश्वास हो जाएगा, जितनी हमारी श्रद्धा है उससे ज्यादा हमारा विश्वास होना चाहिए कि पूरी दुनिया को बनाने वाला है, ये मालिक है, सूरज चांद सितारे सबको चमका रहा है, सारे जीव जंतुओं को पाल रहा है, पत्थर के अंदर कीड़े भी पाल रहा है, सबको रोजी रोटी दे रहा है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो भूखा सोता होगा। परमात्मा किसी न किसी रूप में सबको रोजी रोटी देता है, ये सबकी पालना करता है, सभी को संभालता है, ये बहुत दयावान है। जो इस पे आस्था श्रद्धा रखते हैं उनकी ये बहुत देखभाल करता है। परमात्मा तो देखभाल सभी करता है, लेकिन अपने भक्तों की रखवाली करता है, भक्तों की निगरानी करता है। तो हमें हमारा जो विश्वास है वो पक्का होना चाहिए परमात्मा पे। जितना हम परमात्मा को मानते हैं, जितनी हम परमात्मा में आस्था रखते हैं, हमारी श्रद्धा मजबूत है, तो उतना ही ज्यादा हमारा विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि इसकी मर्जी से ही हर चीज होता है, इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, ये इसकी इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। और अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होने में हमारी भलाई छुपी है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। जग का मालिक याद रहे तो
गंभीर देता गमी नहीं। जब का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जब का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जब का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जब का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कई अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। तो इस मालिक की याद, इसको जानकर, जब इसको हम जान जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी भक्त होते हैं इसको जान जाते हैं और इस जग के मालिक को याद करते हैं, तो फिर उनके जीवन में गम भी गम नहीं देता है, क्योंकि उन्हें परमात्मा पर पूरा विश्वास होता है कि परमात्मा हमारे सारे काज संवार देगा। अगर अभी नहीं संवार रहा है तो उसमें कुछ न कुछ राज होगा जो हमारी समझ के बाहर है। तो ये विश्वास, अटल विश्वास होता है परमात्मा की इच्छा में। भक्त का पूरा विश्वास होता है कि अगर इस वक्त ही हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, अगर हमें हार भी मिल रही है, तो इसमें भी कुछ न कुछ राज होगा। वक्त आने पर परमात्मा हमें सफलता देगा, हमें जीत देगा, हमारे सारे कार्य संवार देगा। ये पूरा विश्वास एक भक्त का होता है। और जिनका विश्वास पक्का है, जिनका परमात्मा पे अटूट विश्वास है, तो परमात्मा उनके सारे कार्य संवार देते हैं। तो आइए प्यारी सा संगत जी, हम ब्रह्मज्ञानी सभी परमात्मा को जानते हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान लिए हुए हैं, जिनको ब्रह्मानुभूति हुई है, वो अंगसंग इसको महसूस कर रहे हैं। सबकी इस निरंकार में आस्था है, श्रद्धा है, क्योंकि इसको जानते हैं। तो हम सबकी जितनी आस्था श्रद्धा इस परमात्मा पे निराकार पे है, उतना ही पक्का विश्वास परमात्मा पे आ जाए। और अगर ये पक्का विश्वास, अटूट विश्वास निरंकार पे आ गया कि परमात्मा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, अगर ऐसा विश्वास हमारे हृदय में आ गया, तो फिर जीवन में आनंद है, खुशियां हैं, नित आनंद है, नित बहारे हैं। प्यारी प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।